ओके सो वी आर लाइव अगेन और इस बार देखते हैं कि थर्ड टाइम हम लाइव जा रहे हैं, शायद रिक्वेस्ट आ जाएगी। उन्हें भेज, अभी जस्ट ज्वाइन किया, अभी रिक्वेस्ट हमें ओके मिल गए मिल गए। ऐड हो रहा है ना? कनेक्टिंग। लंबा है ये कनेक्टिंग, इंटरनेट कनेक्शन पे शक हो रहा है मेरे को उनके। बहुत देर से कनेक्टिंग, इस बार मिल गए वो, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। कांग्रेचुलेशंस भैया। जी सॉक का कुछ बता दो, जी सॉक पे तो यार प्रॉपर वीडियोस निकाल रखे हैं, मेन चैनल, सेकंड चैनल, और इस बार जो आपका वेबडी का कोर्स बना रहे होंगे वो व्यक्ति खुद जी सॉक उसने क्लियर कर रखा है। तो वेब डेवलपमेंट के माध्यम से कैसे आप जी सॉक क्लियर करते हैं वो प्रॉपर उस कोर्स में हमें पता चल रहा होगा। कितने दिनों में आ रहा होगा? इट विल बी कमिंग इन 10 days। क्या हुआ? ठीक है, ओके मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, कनेक्शन नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट वाली जगह पे आए, मिल गए मुझे, ऐड कर दिया, मैं सेकंड टाइम ऐड कर रहा हूँ। मैं वो बालकों, तुम आ गए, गुड इवनिंग सर, ग्रेट। सो हाय हाय भैया, हाय, नमस्ते पहले तो बहुत बहुत सॉरी, मैं पता नहीं, मैं पहले इनिशियली बहुत रिक्वेस्ट भेजी थी, पता नहीं वो शायद आप आपके एंड से हैंग हुआ, फिर मेरे यहाँ नेट शायद स्लो हो गया। कोई नहीं, चल, काफी बच्चों ने 20 मिनट है अभी तक देख रहे हैं हमें, तो हाँ, मैं स्टार्ट करते हैं, क्या चीजें हुई, किस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे होंगे। मैं सीधा क्वेश्चन पूछूंगा सर, मैं बस काफी सोचा था। ऑल राइट सर, I hope you haven't read the script. First year के या second year, third year type के बच्चे assume कर रहा हूँ यहाँ पे, 11th और 12th। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनसे related जो भी questions आप पूछ रहे हैं। Sir, first thing is what was the first moment when this thought of revolutionizing the education came in your mind? Like आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपको लगा कि यार अब सहन नहीं हो रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं था कि अब भाई ऊपर चला गया। मेरे को पढ़ाना पसंद था बचपन से, छोटे मोटे इंसिडेंट थे। आपको 10th क्लास में सीसी खराब लगता था तो टीचर बोलते थे कि इतना है तो खुद बदल देना सिस्टम, पर जब आप 10th में सोचते हो सिस्टम बदलने का तब आपका दिमाग में आता है बड़े होकर IAS बन जाऊंगा, फिर कुछ कुछ करेंगे हम, रूल्स है ना बदलेंगे। तो उस टाइम यूनि सोचा था कि हम चैनल क्रिएट करके पढ़ा रहे होंगे बच्चों को। अगर वो देखें पॉइंट क्या था, तो वो कॉलेज में सेकंड ईयर के अराउंड थोड़ा थोड़ा हिट होना स्टार्ट हुआ था कि यार हम ने एक बार एक चार्ट बनाया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि ओके मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, हम कोडिंग भी पढ़ा सकते हैं। आर्ट्स में घर में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे तो यूँ था कि यार हम गवर्नमेंट जॉब का भी पढ़ा सकते हैं, तो मैं एक दिन ऐसे बैठ बैठ के चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 कोर्सेज स्टार्ट भी किए थे, एक SST का, एक HTML का, फिर एक आपका फिजिक्स का किया था, एक वैदिक मैथ्स का किया था, 4-5 कोर्सेज एक साथ। वो रेवोल्यूशन नहीं, ठीक है, हम बस कुछ कुछ अपना बेस्ट अपने एंड से जो ट्राई कर सकते हैं। दैट्स इट। कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चों के लिए हों, मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल बेनिफिट ले सके और वो अपनी जर्नी। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे वही, आप चिंता की कोई बात नहीं है। सर दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स आल्सो एंड इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू भैया। वी नो दैट यू हैव रीच्ड टू दिस स्टेज, सो आई वांट टू नो हाउ यू मेड योर फ्रेंड्स, लाइक हाउ यू हैड बिल्ट योर माफिया दैट पुश्ड यू टू दिस स्टेज। क्योंकि कॉलेज में लोग जाते हैं तो दोस्त अच्छे एकदम बनाने में, जो चैलेंज वागेन कर सके उसमें बहुत टाइम लग जाता है, मुझे खुद टाइम लग गया था। तो अब ऐसे दोस्त शुरू से बनाना, उसका कुछ तो वही आपसे सवाल है। ओके, जितने भी बालक अभी देख रहे हैं, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से अपना एक नया क्वेश्चनेयर बनाता हूँ और उसमें हम कुछ कुछ ही तुम्हारे में आंसर के साथ साथ देने का प्रयत्न करता हूँ। मैं जब यार अपने कॉलेज के अंदर आया था तो वही एक सपना होता है कि यार एक अच्छी सी जॉब लग जाए, राइट। आप एक ऐसे 11th 12th में हमारी छोटी छोटी खुशियां होती थी कि यार घर से 10 रुपए मिल गए, समोसा आ गया, चौकोबार आ गया, मजे आ गए। जब मैं अपने कॉलेज के अंदर जा रहा था तो हमारे कॉलेज से 8 बंदों का 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था, तो हमें लगा कि यार हम तो इनके जूनियर्स हैं,
तो हम तो कुछ बड़ा ही उखाड़ लेंगे 4 साल बाद में. हमने सोचा यार चलो जितना भी नहीं तो एटलीस्ट 1,00,000 रुपए की जॉब पर मंथ तो मिल रही होगी. और 1,00,000 रुपए को आप ऐसे इमेजिन करते हो, एक बच्चा 1,00,000 रुपए को 30 से डिवाइड करता है और वो कहता है 3,500 रुपए के करीब रोज मिलेंगे. 3,500 मैं ऐसे देखता था 350 समोसे, मेरे को हर चीज समोसे से कंपेयर करने में बढ़िया लगता है. लाइफ सेट क्या चाहिए, आप रोज मॉल जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, फिर आपके मतलब ऐसी ऐसी चीजें. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक मैं सोचता था. एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ क्योंकि आपने अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स ऑफ कॉलेज इसका नाम रखा है. तो एक कपल थे मेरी क्लास के अंदर, लड़का लड़की, उन दोनों की बहुत अच्छी जॉब लगी. तो एक का पैकेज लगा 40 लाख का और एक का पैकेज लगा था कुछ 35 लाख का, तो लगभग 75 लाख का पैकेज. मैंने कहा इनकी लाइफ सेट है यार, डिवाइड बाय 2 दोबारा करो. रोज मिल रहा हूँ मैं. मैंने कहा तो इससे मूवी देखने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, सारे खर्चे निकल गए. बताओ ये होती है जिंदगी, प्यार भी कर लिया, जॉब भी कर लिया. उस टाइम आप ऐसे सोचते थे. अब हम टचवुड, मेरे को लगता है कि इसमें बहुत सारी वेल विशेस का भी रहा है कि जहाँ पे हम पहले सोचते थे कि यार 1,00,000 रुपए का पैकेज लग गया, आज के दिन हम एक ऐसी कंडीशन में आ कि हम फ्री एजुकेशन में भी 7 to 8 figures मंथली लगा सकें. मेरे को नहीं लगता कि यार हम बहुत जल्दी एक अच्छे ट्रैक पे पहुंच गए, पर ठीक है, मजा आ रहा है इसमें. और कुछ किस्से यार जो मैं तुम सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. मैं बहुत स्टूपिड हरकतें की है मैंने, और मैं चाहता हूँ आप भी बहुत स्टूपिड हरकतें करो अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, चाहे हम फर्स्ट डे से शुरुआत हो या कैसे. इसे एक्सप्लेन करने का मैं प्रयत्न करूँ, कुछ अपनी गलतियाँ मैं बता देता हूँ. हम भी बाइकों से गिरे हैं, हमारे भी फ्रैक्चर हुए टूट टूट के, ठीक है. हमने हॉस्टल भी टापे हैं, हमने भैया जो आप क्या कहते हो बॉलीवुड हॉलीवुड में सिखाया जाता है यंग नेहा राहुल वाला जो प्यार होता है उसको भी चेज किया. सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं, हर चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस देती है. और आप सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हो तभी आपको पता चलता है कि यार इनमें से ये चीज़ मेरे लिए है और ये चीज़ मेरे लिए नहीं है. आपको जैसे सेकेंड आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो मेरे को अभी भी याद है, हमारे दोस्त में से किसी एक ने कहा था कि अमन यार 11th-12th में इतनी मेहनत करी है हमने मिलकर. मैंने कहा हाँ करिए, ठीक है. बोले यार एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आए. मैंने कहा हाँ. बोले यार 12th बोर्ड में भी मेहनत की. मैंने कहा हाँ. तो बोले यार अब कुछ तो एंटरटेनमेंट बनता है ना. मैंने कहा मतलब. तो उसने कहा यार हमारी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, कल को हम बड़े हो गए हमारी शादियाँ हो जाएंगी, फिर हम किसी हॉल में मूवी देखने जाएंगे, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम तो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे यार गर्लफ्रेंड क्या होता है. मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो. वो फेज भी एक रहता है वहाँ पे, आप चेज भी करते हो, आप मस्ती भी करते हो, आपका लुल्स भी होता है काफी टाइम, वो सारा एक फेज है, ठीक है. अभी जैसे कि हम यहाँ पर हैं, पर मैंने आपके लिए हार्ड डिस्क वगैरह निकाल के रखे हैं, ऑल्दो मैं दिखा नहीं सकता इन सभी चीजों को. हमारे पास ये मेरी कॉलेज की हार्ड डिस्क है, इनके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मोबाइल होता था हमेशा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर कर लिया. कुछ फनी हो रहा है, किसी बच्चे को जीपीएल पढ़ रहा है बर्थडे के ऊपर, जॉब के ऊपर वो बेल्टों से पिट रहा है, हम एग्जाम खत्म हो गए कहीं पे घूमने जा रहे हैं, वो सारे मोमेंट्स हम रिकॉर्ड करते थे. आज के दिन वापस देखते हैं तो लगता है कि यार क्या मस्त टाइम था. एंड ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे, देखो यार तुम सबके सपने हैं कुछ, आप में से कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि यार आप सरकारी जॉब करो, शायद इंजीनियरिंग या जो भी आप बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नीट मेडिकल जो भी आप पढ़ रहे होगे, वो हो सकता है एक बैकअप हो या फिर आपकी मेन स्ट्रीम हो. अगर मैं 4 सालों का 5 सालों का सब कुछ समराइज करके कम से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ, जितना बड़ा सपना ले सकते हो उतना बड़ा सपना लो, छोटा नहीं सोचना है. कुछ मेजर गलतियाँ अगर मैं अपने कॉलेज की बताऊँ वो ये कि फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था, मतलब 12th तक मैं बहुत शाय बच्चा था. फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा कि शाय का एकदम उल्टा बनना है. तो होता क्या, आप एकदम से कुछ उल्टा बनने की कोशिश करते हो तो आप बहुत चीज़ें गलत करते हो. मैं छोटी छोटी चीज़ों को इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजन ले लिए, अपने दोस्तों से आपने लड़ाई कर ली, कुछ कुछ आपने किया. और समराइज में ये कहूँगा कि आपके किसी से कॉलेज में बने ना बने, आपके थॉट्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, पर आप किसी के भी साथ मीन मत हो. मीन समझ रहे हो सकता है डाउन द लाइन 5 years 10 साल बाद आपको उस व्यक्ति की जरूरत पड़े, हो सकता है 20 साल बाद वो एक 100 करोड़ की कंपनी का मालिक हो. तो अगर आप उसके एक अच्छे दोस्त थे, दोस्त सबके आप नहीं हो सकते, पर आपने एक अच्छी टर्म्स थी, आप हाय हेलो पे भी रहते थे, आपने कुछ बुरा नहीं किया था, तो आप उस व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हो. आप ही सारे बड़े लोग हैं, और आपको 10 ईयर डाउन द लाइन कोई डॉक्टर होगा आपका दोस्त,
ठीक है, कोई हो सकता है किसी ने अपना शोरूम वगैरह खोल रखा है, किसी ने शॉप खोल रखी है, किसी ने शेफ है, रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो ये चीज हमेशा याद रखो। और ये बिल गेट्स ने ये चीज बोली थी कि कभी भी किसी से दुश्मनी मत करो, अपने दुश्मन से भी दोस्ती रखो। आपको नहीं पता कौन व्यक्ति आपको लाइफ में कब काम आएगा। थर्ड ईयर में जब मैं आया, फोर्थ ईयर में आया, तो ऐसे इनफैक्ट आज भी ऐसे क्रिंज मोमेंट्स आते हैं जब मैं सोचता हूँ अरे यार अगर मुझे फर्स्ट ईयर का अमन भत्रवाल मिल जाए मैं ऐसे कैसे लड़ूंगा, क्या किया स्टूपिड चीज पे आप अपने दोस्तों से कैसे लड़ सकते। तो लड़ना नहीं है। बॉलीवुड के अंदर जो चीजें सिखाई जाती हैं वो ठीक है, उन पे ब्लाइंडली फॉलो अप मत कर, मतलब एंड ड्रीम बिग। ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे, मैं कॉलेज में रात में मैं कभी सोया ही नहीं, मतलब हार्डली कोई एक आध दिन होगा कि मतलब दो दिन से नहीं सोए, तो अब तीसरी रात को मैं सोना पड़ रहा है। मैं सोता नहीं था, मैं सोता था कॉलेज के अंदर, तो लास्ट बेंच पे जाते थे और उस बेंच पे जाके भाई हम सो जाते थे। तो कभी कभी टीचर प्रोफेसर, मेरे वीडियो डल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे मैं लास्ट बेंच पे सो रहा हूँ और आगे कॉलेज की क्लास चल रही है, जाके देख लूंगा बाद में। तो काफी बार प्रोफेसर डांटते थे, वो सारा मोमेंट रहा है। आज उन प्रोफेसर से मैं बातें करता हूँ तो बोलते हैं यार ठीक है तू याद करते हैं, अच्छा होता है, टीचर्स भी काफी चिल होते हैं। आप कॉलेज में उनके साथ कैसे हो, कॉलेज के बाद वो एकदम दोस्त की तरह आपसे बात करते हैं, एवरीथिंग इज गुड। सपने बड़े लेने जरूरी है। कुछ मैं डेविएट हो जाऊं टॉपिक से अगर बच्चे अलाउ करें। नहीं नहीं नहीं, इसी भैया आपने जो बात कही सपने बड़े लेने, इसी को लेके एक क्वेश्चन भी है कि भैया मोस्टली जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप सपने बड़े लेते हैं, अगर मैं स्टार्टअप्स की अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो होता क्या है कि अगर आपने जैसे कुछ बड़ा सोचा ठीक है, उसके बाद फिर ये बहुत बच्चे फेस करते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, मैंने भी किया तो मैं थर्ड पर्सन रूप में बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आप जैसे आपके दिमाग में दो चीज आती है, जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आप फेस करते हो, या तो यू आइदर यू प्ले सेफ, आइदर यू बिल्ड अप द करेज टू फाइट विद दैट, बट व्हेन यू बिल्ड अप द करेज टू फाइट विद दैट यू गेट बम्बार्डेड विद सेल्फ डाउट्स कि यार क्या करना चाहिए, अगर खुद के प्रति मैं यूज करूंगा अपने सपने के प्रति इतना दब जाएगा। If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. If you are not living on the edge, you are occupying too much space. अगर भाई इतना risk आप नहीं उठा सकते हो, तो भाई पैसा कमाओ, FD में डाल दो, थोड़ा और गूदा है तो भाई स्टॉक मार्केट में आ जाओ, थोड़ा और गूदा है तो स्टार्टअप फील्ड में आ जाओ। अगर आपके सपने ऐसे हैं कि भाई मेरे को बहुत कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्सट्रीम करना है, तो आपको अपना मेन कोर्स छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें रिस्क होती है। आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आप यार आपके ऊपर पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो आपके पास ये होता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स को वो नहीं कर सकता, मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। और अब इसमें क्या होता है, मैं एक सिंपल सा रास्ता बताता हूँ। तो मेहनत करके कॉलेज के अंदर आयो, तुम कॉलेज का पढ़ो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ दिन में 1 से 2 घंटे एक साइड हसल को दे, एक ऐसी चीज जिसमें तेरा पैशन हो सकता है कि कोडिंग वगैरह ये सारी चीजें तेरी पैशन हो, जॉब लेना, सरकारी के लिए प्रिपेयर करना ये तेरा एक पैशन हो, तो कुछ सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है किसी जॉब के माध्यम से, वो तेरी चीज हो, तो वो एक दो घंटे जब आप 3-4 साल के लिए लगाते हो, आप एक चीज देखोगे कि यार कुछ मैजिकल होना स्टार्ट हो गया है। और अगर तेरा पैशन है तो तुम 1-2 घंटे नहीं, वो चीज फिर इवेंचुअली 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे। कॉलेज के अंदर सब लोग टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ता कौन है, पढ़ते तो आप एंट्रेंस और मिडसेम में, बीच में समर ब्रेक, विंटर ब्रेक सब खाली है। अगर मैं अपना कॉलेज देखूं, 2 महीने की समर ब्रेक, 1 महीने की विंटर ब्रेक, टोटल कितना 3 महीने हो गया। सैटरडे संडे कितने होते हैं, 54 वीक्स 104, चलो उन 3 महीनों को मैंने हटाया तो 75 डेज सैटरडे संडे, 2.5 महीने, 3 + 2 कितने 5, 5.5 महीने तो फ्री है, जिसमें 24 घंटे में कुछ भी कर सकता हूँ, सो सकता हूँ मैं चाहूँ तो। अब उसके बाद जो बचा हुआ समय बच गया, उसके अंदर आपके एंड सेमेस्टर के लिए कितने पढ़ते हो आप, 1 महीना, सेमेस्टर है तो 2 महीने, मिड सेमेस्टर के लिए 15 दिन, 5 दिन मिड सेमेस्टर होते हैं उनके लिए 10 दिन पढ़ लू, 3 महीने की पढ़ाई है कॉलेज की, एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मैं देखूँ। प्राइवेट में थोड़ा सा वो खींचते हैं आपको ज्यादा, तो चलो भाई तुम 4 ले लो 5 ले लो, तब भी 7 महीने फ्री है। अगर आप बोलो कि मैं 7 महीने में बच्चे मूवी देखते हैं, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स पे देखो, सारी चीजें जरूरी है, पर आप बोलो मैं अपने सपने के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो फिर वो सपना आपके लिए उतना बड़ा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं है। एक मेडिकल वाला बच्चा बोले, उनके कॉलेज में बहुत पढ़ाई होती है, तो समझ में आता है कि हाँ यार ये बच्चे पढ़ रहे हैं। एक इंजीनियर बोले या एक DU का बच्चा बोले, एक IIIT का बच्चा बोले, तब भी समझ में आती है वो चीज, उनको भी बहुत ऐसा जाता है। भैया आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में मानते हैं, पावर ऑफ अट्रैक्शन,
कौन सी सेंस में, मतलब प्रोफेशनल या फिर नॉर्मल? जो बोथ, लाइक हाउ यू हैव यूज्ड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और जो बच्चे भी हमने देख लिया, उन्होंने पीएचडी कर रखी है, पहली नजर में प्यार हो जाना, यही बच्चे हमें बता सकते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा मत करो ऐसे। देख यार, इसमें एक सिंपल चीज ये होती है, अगर जैसे कि मैं कल ही एक बच्चे से बात कर रहा था, वो माइक्रोसॉफ्ट में उसकी जॉब लग रखी है, तो उसका लास्ट वर्किंग डे था अपनी कक्षा पे, तो मैं उसे उसके घर तक ड्रॉप करके आया। तो उसने, मैंने उससे पूछा कि क्या चीज़ तुम्हें ड्राइव करती है मेहनत करने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि मैं पिछले 1.5-2 महीनों से अच्छे से काम कर रही थी, मैं कोर्सेज बना रही थी, तो मुझे यूं था कि बीच में ऐसे दिन होते थे कि मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच लेती थी कि मैं 10 दिन बाद कहीं घूमने जाऊंगी, उसका कोई प्लान था दुबई वगैरह घूमने का, तो मैं अपने आप को इमेजिन करती थी दुबई पे मैं बैठी हुई हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बीच वगैरह, और ये मेरे को हेल्प करता था मेहनत करने के लिए। तो फिर उसने क्वेश्चन वापस पूछा कि ठीक है, आपको क्या ड्राइव करता है? मैंने कहा मेरे को अगर 10 दिन जाना पड़ेगा तो वो 10 दिन मेरे को एंग्जाइटी हो जाएगी कि हम काम नहीं कर पाए। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आप खुद का काम करते हो तो उसमें आपको, आपने कभी देखा बिजनेसमैन बोल रहा है यार सैटरडे संडे आ गया, वीकेंड आ जाएगा, छुट्टी लेनी नहीं, सैटरडे संडे बोलेगा नहीं यार, तो धंधा रुक जाएगा अपना। तो वहां पे आपको जब काम में मजा आने लग जाए, पता नहीं मैं चीज क्लियर कर पा रहा हूँ या नहीं, बात समझ आ रही है मुझे बात? देख, जब तक आप फर्स्ट ईयर में हो, थोड़ा चीज इमेजिन करना। मेरे को अगर मैं फर्स्ट ईयर में होता और कोई बोलता कि यार ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, मैं बोलता इसके लिए हुई होंगी, सबके लिए हाँ, ना होती है, बिल्कुल हाँ। इसके लिए शायद कोई चांद सितारे सही जगह पे थे इसलिए हो गया, मेरे लिए थोड़ी ना होगा। नहीं, मैं बता देता हूँ, जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो सकता है वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद में मस्त निक्कर में बैठ के अपना काम कर रहा हो, वो आप जैसा ही एक व्यक्ति है, ठीक है? जैसे कि ये मेरा स्टूडियो है, अब ये पूरी बिल्डिंग जो है ये मैंने कंस्ट्रक्ट करवाई, आप ऊपर चाहो तो मस्त बैठ के सो जाओ, पर मैं सोता इस रूम के अंदर ही हूँ, नीचे मैट बिछ रखी है, मैं यहीं सोना पसंद करता हूँ, मम्मी आएगी रोज ऊपर सो जा, नहीं अभी है, यही सबसे प्यारी जगह है, और ऊपर जाके मैं अपनी चीजें कर ही नहीं सकता जो इस रूम में कर सकता हूँ। तो वो आपका प्यार है, मतलब आप एक रिलेशनशिप के ऊपर जब इसको लगाने लग जाओ, समझ रहे? मान ले तू जिम जाता हो, तेरे जिम जाना इतना पसंद है कि भाड़ में गई, रिलेशनशिप बॉडी में इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये एक्सरसाइज करना पसंद है, तुझे खाना वाना पसंद है, तू बोला भाड़ में क्या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बंदा रिलेट कर पाता है। रिलेशनशिप आपको रोकते हैं कोई भी अच्छी चीज करने के लिए, मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसे रिलेट कर पाते हो। तो जब आपकी टॉप प्रायोरिटी ये हो जाती है, तब आप प्यार में पागल हो, तब आपको लैला मिल गई है, राइट? बोल। और ये चीज थी, मतलब मैं कॉलेज से, चाहे कोई भी चीज हो, मैं उसके पीछे पढ़ता था, मतलब पढ़ता था अच्छे से, एम्बैरेसमेंट भी होती है आज याद करते पुराने दिनों को, तो पर ठीक है, वो चीज जरूरी है, जब किसी चीज के पीछे पकड़ो तो पूरी श्रद्धा के साथ, वो शिद्दत लगा दो। डेस्टिनी में ये चीज है अपने लिखी हुई, फिर बॉलीवुड के देवदास बन जाओ। बिल्कुल भैया, चूंकि अब हम लोग के पास ज्यादा वक्त भी है नहीं, तो मैं सीधा रैपिड फायर राउंड पे इस वक्त आने वाला हूं। मैंने बोला था कि हमें 6 बजे तक रैप अप करना, 6 बजे तक कंप्लीट। ओके, तब बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर, एक नया क्वेश्चन था कि वेयर डू यू थिंक इंडियन पेरेंट्स लैक व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग एंटरप्रेन्योरशिप? जैसे बच्चा चलो अपने लिए समय निकाल, काफी बार बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे कोई चीज करने के लिए, वो तो करते ही नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स को पूरे कॉलेज लाइफ में बुद्धू बनाया, मम्मी अभी देख रही है, उन्हें पता है। मम्मी कहती थी अमन तू क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज में हॉस्टल में बैठे नॉर्मल। और मम्मी बोलती थी मैंने तेरा एक वीडियो देखा अभी तूने डाला, तो पूरे टाइम तो इसमें लगा देता होगा। मैंने कहा मम्मी कितनी देर का वीडियो? 10-15 मिनट का वीडियो, 10-15 मिनट लगती है बनाने में। रियलिटी उल्टी है, हर वीडियो के पीछे आपको 4-5 घंटे लगा देते हैं, फिर मम्मी को बना देते हो। एक बार मेरे को अभी भी याद है, सेकंड ईयर की बात थी, सेकंड ईयर का एंड था, और मैंने मम्मी को कहा, पापा को कहा कि पापा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ एक और एक लड़का है जिसका नाम भी अमन था, उसकी हमारे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे मेन्स के अंदर, हम दोनों को मिलकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी, हॉस्टल में बच्चे पढ़ने नहीं देते, तो ऐसा करते हैं साइड में अपार्टमेंट ले लेते हैं और वहां पे हम दोनों बैठ के दबा के पढ़ेंगे। पापा ने कहा नहीं 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 नहीं। फिर 6-7 दिन बाद मैंने मना लिया कि चलो ठीक है, पापा को लगा वो बच्चा भी अच्छा है, ये दोनों सिंसियरली होकर पढ़ेंगे और ग्रुप में अच्छी स्टडी होती है।
पापा ने ट्रांसफर करा दिया घर से सामान, उधर सेटिंग वेटिंग कर दी, मम्मी साफ कर रही है रूम, सब सेट कर दिया और सिर्फ मेरा आया था। मैंने कहा दूसरा जो लड़का है वो शाम तक आ जाएगा। शाम को मैं पापा को कॉल करता, पापा जो दूसरा लड़का था उसने तो गच्चा दे दिया, वो तो मना कर रहा है कि मैं नहीं आ रहा, अब एडवांस दे सकते हैं उस प्रॉपर्टी का 2 महीने का। अब पापा बोल रहे कैसे नालायक दोस्त है तुम्हारे, लास्ट मोमेंट पे ऐसे कौन जाता है, एकदम तुम भी तुम्हारे दोस्त भी सब खराब है। ठीक है सुन लेते हैं, 1 घंटे का लेक्चर है पर अपने को कमरा मिल गया। वो कमरा मिलते ही फिर वहां पे हम फुल टाइम स्टार्ट हो सके, धीरे धीरे उस कमरे को स्टूडियो बनाया। वहां से आइडिया कि अच्छा यार मेरे को स्टूडियो की जरूरत है, तो बहुत सारे लोगों को स्टूडियो की जरूरत होगी। फिर हमने बीकानेर सीकर में जाके लोगों को स्टूडियो बनाए, इक्विपमेंट्स के वहां पे आपका मार्जिन बहुत होता है, उधर से मेरा मेन कैपिटल फर्स्ट मोटा हम कह वो आया। तो आप थोड़ी सी रिस्क उठाते हो कि चलो ठीक है पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं थोड़ा सा, मैं कह नहीं रहा जाके पापा मम्मी को बिल्कुल बनाना स्टार्ट कर देना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। फिर क्या होता है धीरे धीरे आप उन्हें कैपिटल दिखाना स्टार्ट करो। जैसे कि आज भी मेरे को याद है पेरेंट्स ने मेरे से 2-3 बार ऑप्शन पूछा था, चॉइसेस दी थी। एक तो जब हम 11th क्लास में थे तो पापा ने पूछा था, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था, 6 साल लॉन टेनिस खेला था, तो पापा ने 11th में कहा बेटा स्पोर्ट्स खेलना है या साइंस लेनी है। मैंने कहा पापा स्पोर्ट्स खेलना है। पापा ने कहा ठीक है बेटा साइंस ले लो। फिर साइंस लेने के बाद 12वीं में मेरे पास ऑप्शन था आपका हिंदू कॉलेज और NSIT के बीच में। पापा ने पूछा कौन सा लेगा, मैंने कहा पापा हिंदू कॉलेज जाना है। मैंने देखी थी रॉक स्टार मूवी उधर आसपास शूट हुई थी, बहुत चिल लाइफ होती है डी वालों की। मैंने कहा पापा हिंदू कॉलेज जाना है, UPSC निकालने वहाँ जाना है। पापा ने कहा ठीक है बेटा NSIT चले जाओ। चॉइस दी जाती है पर होती नहीं। फिर दोबारा थर्ड ईयर में मैंने पापा को बोला कि पापा एक तो है UPSC वगैरह, एक है कि मैं अपना प्राइवेट काम खुद करना चाहता हूँ, प्लेसमेंट तो मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दी थी, ये नहीं लेनी। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा तो क्या करना चाहते हो। मैंने कहा पापा प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर करना है, UPSC करो। तो मैं एक UPSC करने भी लग गया था। फिर तनिष था उसने थोड़ी सी हेल्प करी उस केस में। तो मैं आया रूम में, मुझे अभी भी याद है उस दिन, और तनिष बोलता तेरे को तो पापा का अच्छा बच्चा बनना है ना, तूने तो हाँ बोल दिया होगा, पापा ने कहा UPSC कर तो तूने कह दिया होगा अच्छा बनने के लिए कि हाँ चलो ये UPSC कर लेंगे। मैंने कहा हाँ। उसके पता नहीं क्या माता चढ़ी, वो गया गुनगुनाता हुआ बाहर ड्रॉइंग वाले रूम होता है ना जहाँ पे आगे डाइनिंग टेबल होती है, माँ बाप बैठे होते हैं, पापा बैठे भाई, वो जाके वहां बोला पापा आप भैया का करियर बर्बाद कर रहे हो। अब जब आप ये शब्द बोल रहे थे तो भाई पेरेंट्स को भी एक बार लगा कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे, सुन लेते हैं। उनके वहां से एक क्लिक हुई, वो सोचना दोबारा स्टार्ट हुए। 2-3 दिन मेरे को फिर और लगे, हमने मना लिया। पापा ने कहा चल ठीक है कितना समय चाहिए। मैंने कहा पापा UPSC की तो उम्र बहुत ज्यादा है देने, हमारे घर में सबने दिए, अगर मेरे भाइयों ने निकाल लिया मैं तो उनसे स्मार्ट ही हूँ, कर लेंगे बाद में, 2 साल बाद करते हैं, अभी पहले प्राइवेट एक्सप्लोर करते हैं। पापा ने कहा ठीक है 2 साल ले लो। एक यहाँ से आपको हर चीज आप सीखने जाते हैं, अपने आपको हमेशा एक डेडलाइन दो कि यार मैं ये काम करूंगा पर मैं ऐसा नहीं कि पागलों की तरह जिंदगी लगा दूं, अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ पे मेरा एग्जिट है। जिस काम को आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी आपको एग्जिट पता होनी चाहिए कि मैं एग्जिट कैसे करूंगा, ये आपको पता है तो जर्नी बहुत स्टार्ट हो जाती है। ये सेम चीज आपकी ओरेटर में भी, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग के अंदर है, आपको कहीं भी सेमिनार लेना है, हम कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, आपको अपना एंडिंग पॉइंट पता होता है और बीच की जर्नी आपकी खुद की होती है, तो आप बस बनाए। उसी चीज को बोल रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है। सेम चीज करियर में भी, तो फर्स्ट ईयर में कुछ गोल था मेरा कि चलो ठीक है प्लेसमेंट नहीं उठाएंगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। लकीली कचोर हम उस बैंक बैलेंस से मल्टीपल टाइम्स कर चुके थे। मैंने कहा सही है ये बढ़िया चीज। फिर हमने फर्स्ट ईयर भी उस चीज पे मेहनत करी, वो नंबर जो सोचे थे उससे हम बड़े जा पाए। होता क्या है कि एक व्यक्ति ने बोला है अगर आपको चैरिटी तो आपको करनी है तो आपको पहले खुद रिच होना जरूरी है, आपके पैर मतलब आप उसको लगा सकते हो, आप 2 लोगों को हायर कर सकते हो, 2 लोग पढ़ा सकते हैं। पहले मुझे लगता था मैं ही सब पढ़ा दूंगा, बुद्धू बच्चा जो सेकंड थर्ड ईयर में होता है इम्पल्सिव, यार मैं हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा, मैं HTML पढ़। फिर धीरे धीरे समझ में आप नहीं पढ़ा सकते सारी चीज़ें, आपको लोगों को टीम में जोड़ना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको यार डाउन द लाइन बीच में फेल होगी कि आप जो काम करते हो वो आप ही सबसे अच्छा करते हो। इट्स लाइक एज्यूम करो किचन में गए, आपकी मम्मी खाना बनाती है, आप बीच में आओगे ना मैं रोटी बनाएगा खराब कर देगा सब कुछ, वैसे ही आप ट्रस्ट बहुत धीरे धीरे होता है। पर शायद कुछ लोग होंगे जो कि रोटी अच्छी बना सकते हैं आपसे, तो आप उन बंदों को लेके आओ अगर आपके पास पोटेंशियल है, कैपिटल है, और फिर आप और तेज आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक आज के दिन 2 रुपए नहीं चाहिए, आपके जेब में चाहे 2 रुपए ना हो, आप
बिजनेस खड़ा कर सकते हो, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, आप सोलोप्रेन्योर बन सकते हो, आप खुद का काम कर सकते हो, ठीक है। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, कहीं वहां से उठा के हम यहाँ पर डाल दें, पर आज के दिन आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं आपको 5,000 रुपए दूं, कोई स्किल है आपके पास, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कभी भी करके निकाल देंगे, या फिर आपको खुद पे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, यार प्लेसमेंट तो शायद तुक्के से निकल गई, मैं पता नहीं ऑफ कैंपस निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, यार कल को मैंने ये चीज छोड़ के एक साल खुद पे काम किया, दोबारा मेरे को कोई जॉब देगा नहीं देगा, तो उस टाइम आपके अंदर इतना बोलता हूँ नहीं देगा तो भाई काट करके दोबारा आईएम में घुस जाएंगे, क्या होगा, जॉब तो नहीं देंगे, काट दे देंगे, क्या होगा, सरकार ही दे देंगे। पर इतनी करेज आप अगर रखोगे तो फिर नेचर भी देखता है कि यार किस बंदे में ज्यादा भूत हो, कौन ज्यादा प्यास कौन है, और चीजें भैया एक अभी आपका आज तक डेली जब आप स्टेज के अंदर हो, क्योंकि काफी बच्चे हैं यहाँ पे अभी, प्री काम करने से मत डरो, ठीक है। मान लो मेरे को ये बहुत चीज हेल्प करी थी, शुरुआत में हम कहीं जाते थे, कहीं पे आप मिलते थे, तो मेरे को कोई भी, मैंने लोगों में शुरुआत के हैंडल जो होते हैं ना, इंस्टाग्राम हैंडल हो गए, ट्विटर हैंडल हो गए, ये ऐसे मैनेज किए थे, बस ऐसे ही। पर होता क्या है, जब आप किसी के लिए काम करते हो, आप उसके लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो। इसको अगर फंडे को हम छोटे से तरीके से समझने की कोशिश करें, मार्स है, मार्स के लिए सन वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, रेवोल्यूशन वगैरह सब हो रहा है, पर उसके अंदर कोई लिविंग बींग्स नहीं है, तो उसके लिए ऐसा कुछ वैल्यूएबल नहीं है। पर अगर हम अर्थ पे देखें तो एक प्लांट के लिए सन बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि सन को वो कंज्यूम कर रहा है। क्या वो प्लांट किसी के लिए वैल्यूएबल है? हाँ, वो प्लांट किसी एनिमल के लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं। क्या वो एनिमल किसी के लिए वैल्यूएबल है? हाँ, वो एनिमल किसी बड़े एनिमल के लिए वैल्यूएबल है, जो कि छोटे एनिमल को कंज्यूम करता है। सिमिलरली ह्यूमन से मैं अपने आप से पूछा कि हम अपने आप को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं। मैं नहीं चाहता कोई जानवर आके मेरे को खा जाए, कोई और दूसरा तरीका। तो हमने कहा यार प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब भी निकालते हैं, तो क्यों ना मैं गुड्स एंड सर्विसेज दूं जिन्हें लोग लें, मैं खत्म भी ना हो पर मेरी वो वैल्यू करें। तो लोगों ने डॉक्टर इंजीनियर शेफ ये सारी चीजें बनना स्टार्ट किया। आदमी मेरे को जो लगता है पैसे से ज्यादा एक और चीज के पीछे जो हम सब के सब भागते हैं, पता नहीं आप रिलेट कर पाओगे शायद, वो होता है, अगर हिंदी में एक शब्द से हम समझाने का प्रयत्न करें, दैट इज कॉल्ड औकात। कि यार मेरी कोई औकात है या नहीं, पैसा भी ठीक है, क्या रिस्पेक्ट है या नहीं, क्या लोग जानते हैं या नहीं, ये हम उस चीज के पीछे भागते हैं। और ये चीज शास्त्रों में भी लिखी है। और हम सिर्फ ये नहीं कि आपने अपनी औकात बना ली, आपको फिर कोई विटनेस भी चाहिए होता है, कोई उसे विटनेस कर रहा है, मतलब आप खुद को नहीं बनाओगे ना कि मैंने औकात बना ली। आप चाहते हो कि लोग विटनेस करें। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो इस पे बहुत फेमस स्टोरी भी है इंदिरा के ऊपर, कि इंदिरा विश्वकर्मा को बोलते हैं कि यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैलेस बनाओ, तो पैलेस बना देते हैं। फिर इंद्र कहता है नहीं यार मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा, एक और बड़ा बनाओ, तो वो और बड़ा बनाते हैं पैलेस। वो कहता है मजा नहीं है, और बड़ा, और वो और बड़ा पैलेस बनाते हैं, फिर वो और बड़ा पैलेस बनाते हैं। आपने देखा होगा साउथ में काफी टेम्पल्स हैं, एक के पीछे बड़ा टेम्पल सेम, फिर उससे बड़ा टेम्पल, स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं वो। तो फिर एक दिन विश्वकर्मा बोला यार ये तो रुकेगा नहीं, ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा, बड़े बनना क्या बना गए तुम्हें। तो वो विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा कि यार समझाओ। तो विष्णु जी एक बालक का अवतार लेके आए और इंद्र को आके बोले कि यार इंद्र तुम्हारा पैलेस तो ठीक है, पर जो तुम्हारे से पहले इंद्र थे ना उनका पैलेस बहुत बड़ा था। तो इंद्र ने कहा मेरे से पहले, मुझे तो लगा मैं ही हूँ किंग ऑफ ऑल गॉड्स, तुम्हारे पहले भी थे तुम्हारे बाद में भी आएंगे। बोले बाद में भी, हाँ। और बोले तुम जब अभी हो उस वक्त भी बहुत सारे इंद्र हैं जो कि अभी एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कितने सारे? बोले एक समुद्र के किनारे जितने मिट्टी के दाने होते हैं उतने इंद्र अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने किसी व्यक्ति के डिनोमिनेटर में जब आप एक बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी डाल देते हो तो उस व्यक्ति की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो विष्णु ने ये बताना चाहते थे कि देखो यार आप कितना ही बड़ा बनो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, ताजमहल जैसी चीजें क्यों बनी हैं? जैसे कि मतलब लोग दिखाना चाहते हैं कि प्यार का इजहार करना है, लोग चाहते हैं कि मैं मर भी जाऊं तो उसके बाद भी लोग याद रखें। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ऐसे हमें छोड़ना चाहिए, हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट? तो लोग बड़ी गाड़ी क्यों लेते हैं? दिल्ली में जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, फिर भी लोग कहेंगे नहीं यार थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, चाहे पार्किंग में दिक्कत हो रही है नहीं लेंगे, चाहे उसकी इंश्योरेंस महंगी जा रही है हम लेंगे, आपके मीटर लग रखे हैं 50 किलोमीटर पर आवर से आपका चलान कट जाता है, कैमरा लगे पड़े पूरी दिल्ली में, पर हम लेंगे क्योंकि हम विटनेस कराना चाहते हैं अपने नेबर्स को कि हम कुछ उखाड़ा है।
चलो ये सारी फालतू बकवास थी, मेन मैं ये बोलना चाहूंगा, आप अभी जब शुरुआत में जाओगे फ्री में काम करना पड़ता है, करो। आप कहीं पे इंटर्नशिप पे काम जाते हो, वो आपको कहते हैं 6 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करके दिखाओ। वो आपको कहते हैं 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करके दिखाओ। अगर मैं किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सिर्फ ये देखता हूँ उस बंदे में फायर कितनी है। सबसे अट्रैक्टिव चीज मेरे को किसी के अंदर लगती है तो वो फायर। तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो सारे ऐसे हैं जो कि अपनी प्लेसमेंट छोड़ सकते हैं एजुकेशन के लिए। वो बंदे 6 घंटे नहीं देखते, वो 8 घंटे नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि उन्हें सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, सारे लोग मस्त काम कर रहे हैं। तो वो चीज आपको चाहिए होती है। यहाँ पे जितने भी बच्चे, अभी मैंने सबको यहाँ से निकाल दिया, पहले स्टूडियो में बैठे थे, उनका सैटरडे संडे नहीं है। वो सारे दिन आते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, 10 तो यहीं रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर में, मैंने उन्हें रखवा रखा है। कुछ होंगे जो कि 8 से 6 तक काम करेंगे, 7 तक काम करेंगे, और उन्हें थकान नहीं होती, उनको मजा आ रहा है। तो वो चीज मैटर करती है, और वो व्यक्ति लाइफ में बहुत आगे जाता है। आपको जो काम दिया गया उससे बेटर आउटपुट लाके दो, आपको बंदा निकलने नहीं देगा कि नहीं यार तू नहीं जाएगा, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा पर तुम जाओगे नहीं यहाँ से, तब आपकी वैल्यू। ईगो को या छोटी छोटी चीजों पे नहीं लगाना है, ठीक है? जैसे मेरे को अभी भी याद है, हम फर्स्ट सेकंड ईयर में होते थे तो आपके हमेशा देसी दोस्त होते हैं, और मेरे बहुत सारे देसी दोस्त थे। तो हम देखते थे कि यार लड़के छोटी छोटी चीजों पर लड़ रहे हैं, लड़कियां भी आपस में कुछ कुछ छोटी छोटी, पर लड़कियों का मेरे को ज्यादा नहीं पता, पर लड़कों के साथ तो हम हॉस्टल में रहते थे। अरे भाई मेरी बंदी ने इससे कैसे बोल दिया, इसने मैं रखूंगा। तो आप छोटी छोटी चीजों पे लड़ लेते हो, ये चीज ईगो लगाना है तो बहुत बड़ी चीज के साथ लगाना है, समझ रहे हो? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था, आपको आपने गाने लाउड बजा रखे हैं हॉस्टल रूम के अंदर, आपको बगल वाला दोस्त आके बोलता है अरे भाई यार थोड़ा कम कर ले, नींद आ रही है, सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला अरे नहीं करता अपने कमरे में जा रहा हूँ, तेरे कमरे में आके बजा रहा हूँ, नहीं करता मैं, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है कि आप ठीक है यार मैं कम कर लेता हूँ। तो आप किसी को 100 ग्राम रिस्पेक्ट दोगे, ये उसूल है, अगली बार वो व्यक्ति आपको 300 ग्राम रिस्पेक्ट देगा। और ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम बढ़ा के रख लो अगर, पर वो फिर फाइट और वॉर कहाँ पे लगाई, अपनी एनर्जी किसके ऊपर लगाई, एक वॉल्यूम बटन के ऊपर। हम उस वॉर को एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जाए। एक बहुत फेमस कोट है, दोबारा बोलता हूँ, हमारे गांव में कहा जाता है कि अरे भाई अगर लड़ना है तो सबसे बड़े पहलवान से लड़ो, हार भी जाओगे तो नाम होगा। अगर आपको युद्ध भी करना है तो सबसे बड़े कंटेस्टेंट से करो, हार भी जाओगे तो नाम। तो हम वॉर पंखे के उस पर नहीं करेंगे, पंखा तेज है धीरे है वॉल्यूम ज्यादा है काम है, वॉर करेंगे बहुत बड़े लेवल पे, वो चीज मैटर करती है। लड़ो मत यार दोस्तों से, मत लड़ो, सारे कॉलेज के तो दोस्त हैं, वही तो एक जेन्युइन दोस्ती होती है। बाद में जब आप कॉर्पोरेट चले जाओगे तब दोस्ती नहीं होती, तब तो फायदा होता है, ये मेरा ये काम कर देगा मैं इसका ये काम कर दूंगा, स्क्रैच द बैक बोलते हैं, तुम इसकी वो उसकी, सब आपके प्रोफेशनल दोस्त। कॉलेज में कोई एज सच वो नहीं होता मन के अंदर कि इससे मेरे को ये फायदा हो जाएगा, वो दोस्ती थोड़ी प्योर होती है, किसी के साथ बुरी नहीं करनी है, दोस्ती बना के रखो सबके साथ। घर वालों के साथ चीजें शेयर कर लिया करो, जैसे मेरे को अभी भी याद है मैं एक बार अपने दोस्त को बाइक सिखाया, मेरे को अच्छा लगता था गाड़ियाँ बाइक चलाना, ये बहुत पसंद है मुझे बचपन से, मामा जी ने ये सारी चीजें कराई। तो दोस्त होते हैं हॉस्टल में, किसी को नहीं आती तो हम कहते हैं अरे आ जाते हैं सिखाते हैं बाइक, बाइक कुछ नहीं बहुत सिंपल चीज। तो वो अमन ही लड़का था दोबारा, ठीक है, जो कि जिसके साथ मेरा पार्टनर बनने वाला था, तो मैंने उसे आगे बाइक पर बैठाया और चलाते चलाते उसने एकदम से ब्रेक मार दी, जैसे साइकिल हो साइकिल पे मार देता, वो बाइक एकदम से खड़ी हो गई, हम आगे गिरे, सबके सामने बेइज्जती करा दी कॉलेज के आगे उसने, आप गिरे, अब गिरे तो मेरे जबड़े पे ऐसे लगी और कुछ कुछ वहाँ पे फ्रैक्चर आ गया, जिसे हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। मैं यार ठीक है, मैं घुटने को देख रहा, घुटना चल गया, आपको एकदम से फेल नहीं होता। फिर मैं अपने कमरे में आके सो गया, सुबह उठ रहा हूँ तो भाई ये सूजा हुआ है और मैं चबाई नहीं जा रही चीज, मैंने कहा यार शायद लग गया होगा तो इसलिए सूज गया होगा। अब मैं घर पे किसी को नहीं बता रहा, मम्मी कह रही अमन यार वो सैटरडे संडे हो गया घर को आएगा, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, बहुत पढ़ाई करनी है अभी, तो अभी नहीं आ सकते अभी सूज। तो फिर देखा रात तक, पता चला कि यार दर्द बढ़ता जा रहा है, तो मैंने डॉक्टर वॉक्टर को देखा, उन्होंने कहा फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा ठीक है यार फ्रैक्चर है, तो सरकारी हॉस्पिटल में गया, ले गए स्कूल वाले कॉलेज की एम्बुलेंस की, वापस ले, हम वहीं पे बैठे हैं। मैं कहा यार घर वालों को नहीं बताना, बाइक ले जाएंगे और बाइक तो दे नहीं सकते। पर आप क्या होता है पॉइंट के बाद फिर ठीक है आपको बताना पड़ा, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो ठीक होता नहीं। और फिर पापा ने कहा
चलो बेटा बाइक दे देना. मैंने बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं कहा, मैंने हाँ पापा ले जाओ चाबी ले जाओ. ठीक है, तो बचपन से पापा कहते थे बाइक मत चलाओ, लग जाएगी, हम नहीं मानते, फिर गिर जाते हैं. तो फिर मैंने कहा पापा गाड़ी अच्छी है, फोर व्हीलर अच्छी है, मैं खुद ही नहीं चलाता, डर लगता है. भैया अब हम लोग सीधा रैपिड फायर पे मूव करते हैं. हाँ हाँ रैपिड फायर, ठीक है, छह मिनट एकदम परफेक्ट. उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन है, उसमें एक वर्ड या एक सेंटेंस में जिसको आप जैसा जवाब लगे आप उस तरह से दे दीजिए. फर्स्ट इज फेवरेट एंटरप्रेन्योर. फेवरेट एंटरप्रेन्योर बहुत सारे हैं, एक हर एक की कुछ कुछ चीज पसंद है. ये वन वर्ड आंसर ही नहीं है, ये वन वर्ड आंसर. ऑलराइट, मतलब फिर यू कैन गिव इन कॉमास. हाँ, मेरे को यार बहुत सारे फाउंडर पसंद हैं, ग्रो के फाउंडर पसंद हैं, मेरे को मुंजाल जी भी बहुत पसंद हैं. ये दो काफी अच्छे लगते हैं मेरे को, काफी रैपिड ग्रोथ हुई इन दोनों की. और फेवरेट यूट्यूबर. फेवरेट यूट्यूबर, ये तो डोमेन्स बहुत सारे डोमेन्स हो गए ये तो. फिर भी मेरा जो फेवरेट है, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, वो थे जैद अली खान. तो वो कॉमेडी ब्लॉग बनाते थे एंड पुराने हैं यूट्यूबर, आज के दिन इतना नहीं करते, पर उस टाइम मेरे को वो चीज देख के मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब से कनेक्ट हुआ था. फिर मैंने देखा कॉमेडी तो अपने से नहीं होगी, अपन बना सकते हैं. ओके, वो मेरे को बेस्ट यूट्यूबर लगता है. योर रोल मॉडल. मेरे रोल मॉडल पापा, मतलब आपके पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने काफी आपके लिए मेहनत की होती है. बस बाकी रोल मॉडल यार आपको हर जगह मिलते हैं, अगर मतलब आप एक रोल मॉडल हो ही नहीं सकता, आप बहुत सारे. आप कोई किताब पढ़ते हो वो ऑथर आपका रोल मॉडल हो सकता है. आप फिटनेस में हो सकता है ऋतिक रोशन आपके रोल मॉडल हो. वर्क एथिक में आपका रोल मॉडल कोई और हो. रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में कोई और हो. तो हर सेगमेंट में अलग अलग. फेवरेट बुक. फेवरेट बुक, ये भी बहुत फेवरेट बुक, ये भी बहुत ही टफ हो गया. किस डोमेन में, मतलब हम हर डोमेन की एक किताब बोल सकते हैं. बाकी मैं एक किस्सा बता देता हूँ बुक के ऊपर. मैं डीपीएस हसनगंज में था 9th-10th क्लास के अंदर, और मैं हैरी पॉटर पढ़ रहा था हिंदी में. वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, पता नहीं क्यों. तो उसके गॉबलेट ऑफ फायर था, और उसको हिंदी में आप कुछ बोलते हो पत्थर आग का कुछ टाइप. और भाई वो डीपीएस हसनगंज वाले बच्चे वो बोल रहे भाई ये हिंदी में नॉवल पढ़ रहा, और मेरा दिमाग खराब हो रहा भाई मेरे को अच्छी लग रही है इसलिए पढ़ रहा हूँ, गवार नहीं हुए. देखो फिक्शन में हैरी पॉटर बहुत अच्छी लगी थी, और बाकी जितनी भी किताब होती हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप होती हैं. बाकी अब मैं बोलूँगा किताब से भी और तेज ऑडियो बुक्स हैं. ऑडियो बुक्स मैं बहुत पढ़ता हूँ, आपकी 5-6 घंटे के अंदर किताब निपट जाती है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो 5-6 घंटे के अंदर दोबारा. पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एक अच्छा मैसेज दे सकती है, आधे 1 घंटे के अंदर एक अच्छा मैसेज दे सकती है. हम सबके पास आज के दिन समय बहुत कम है, तो डेटा को सबसे फास्ट कंज्यूम करने का तरीका ऑडियो बुक्स पॉडकास्ट. ओके, दो और हैं बस, उसके बाद फिर विल रैप इट अप. व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट वीकनेस. बिगेस्ट वीकनेस हर साल बदल रही थी. फर्स्ट सेकंड ईयर में आई गेस ये थे कि मैं इंपल्सिव बहुत ज्यादा था, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता था. अब फाइनल ईयर के बाद ये थी कि मेरे को ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते थे कि क्या ये काम मैं किसी और के साथ शेयर करूं, क्या वो अच्छे से कर पाएंगे, क्या उनका सेम विजन ड्रीम है. और ऐसे वीकनेस देखोगे तो कभी कभी मैं मीटिंग्स में लेट हो जाता हूँ टाइम पे. तो मैं तो काफी लेट हो गया आज. ओके, दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन. वन थिंग दैट यू समवॉट लाइक्ड अबाउट दिस कन्वर्सेशन. Somehow liked about this. ये कोई rapid fire single word है ही नहीं answer. Sentence में दे दीजिए. इसके बाद rapid. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरी मतलब second hobby आप बोल सकते हो लोगों के साथ interaction करना. तो काफी सारे बच्चे मिलते हैं, तो बस मतलब ये तो महफिल set हो गई है. तो कोई भी मेरे को questions अच्छे लगते हैं. चाहे ये हो कोई भी हो, मेरे को seminars बहुत पसंद है, webinars बहुत पसंद है. तो मैं इनफैक्ट सुबह स्टोरी डाल रहा था कि यार इस फलाना कॉलेज का ये है, तो मैं स्टोरी डाल रहा था तभी पीछे जो बच्चे बोल रहे थे मैंने उनसे पूछा ये पेड प्रमोशन तो नहीं लग रहा तुम्हें, तो बोले आपने पैसे नहीं लिए. मैंने कहा मैंने नहीं लिया. तो वो बोले अरे आप किसी कॉलेज का नाम लोगे तो लगेगा आपने पैसे लिए. तो मैंने कहा रुको सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी. तो मेरे को सारे सेमिनार्स पसंद है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना. शायद आप पता नहीं इस चीज को वैल्यू करोगे या नहीं, जो एक 18-19 साल के बंदे के अंदर एनर्जी होती है
वो एक 24 साल वाले बंदे में नहीं है, जो एक 24 साल वाले में वो 30 साल वाले में नहीं, मतलब बिल्कुल वो चीज बहुत प्योर है। मतलब मैं जब एक बच्चे से बात करता हूँ उसके आप आंसर सुनोगे यूं लगता है कि भाई साहब ये विजन किसी टाइम में हमारा था, ये बंदा डरता नहीं है, ये निडर है, इसको डर नहीं लगता, इसको तेज बाइक चलाने से डर नहीं लगता, इसे किसी लड़की के पीछे जाने से डर नहीं लगता, इसे प्रोफेसर से डांट खाने में डर नहीं लगता, इसे बड़े सपने देखने से डर नहीं लगता। तो वो एनर्जी मेरे को समहाउ सेमिनार्स में मैं जब जाता हूँ तो वापस रिफ्रेश होती रहती है और मेरे को जो आता है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, मजा आता है। That's all, भैया थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं एक तो एक चीज जाने से पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि पता नहीं किसी वजह से लेट हो गया, बहुत और भी अच्छे क्वेश्चन थे मेरे पास, आप ठीक है खुशी जी के पास क्वेश्चन सही थे और बाकी कॉलेज सोसाइटी में वेलफेयर सोसाइटी में सबसे पहले तो पार्ट बना, फिर इनिशिएटिव लिया कि चलो ऐसा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लिए किसी क्रिएटर्स और भी मैंने देखा तुमने बहुत सारे क्रिएटर्स आर्टिस्ट म्यूजिक डांस में बुला रखे हैं, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो तुमने पुट किया है और एंजॉय सब कर रहे हैं उसे, सॉरी होने की तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू खुशी मैम एंड आशुतोष एंड ऑल द टीम ऑफ यूएनवाईसी अनमोल स्वाति अंजू आशीष कार्तिक एवरीवन फॉर मेकिंग दिस हैपन, थैंक यू भैया, चलो ठीक है बाय बाय, टेक केयर यार, सी यू, बाय, जाओ फोटो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल शुक्रिया भैया।